ये एक आम सी रस्म हो गई है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें सिंध में ये रस्म आम हो गई है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सिंध में ये आम हो गया है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो तालीम को आम करने के लिए काम करता है तो उन्हें मुश्किल दिन देखने पड़ते हैं, और यही इजावर हट्टा की जो एरिया है वहाँ पे हुआ। वहाँ पे एक टीचर ने एक बंद स्कूल, जो बच्चों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, उसको चलाने की कोशिश की, तो वहाँ के वडेरों ने उस खातून टीचर को अपने घर वालों के सामने रेप का निशाना बनाया, धर्मगी का निशाना बनाया। और ये वाकया जो सजावल के करीब एक गांव में हुआ है, और इस वाक्य की जितनी मरम्मत की जाए वो कम है। इसमें किस तरह के वाकयात हर साल इस प्रोजेक्ट के वाकयात सैकड़ों के तादाद में होते हैं और उनकी कोई दाद फरियाद नहीं होती, और हमारे बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, उनकी ज़बरदस्ती शादियाँ कराई जाती हैं, और इस तरह से और वाकयात इस तरह के होते हैं, और कोई भी दाद रस्सी करने वाला नहीं है। अब एक टीचर को निशाना बनाया गया है, वो टीचर जो बच्चियों को तालीम दे रही थी, जो इलम को आम कर रही थी, जो इलम की रोशनी को आम कर रही थी, उस टीचर को ये सजा दी गई है कि उसने तालीम क्यों दी। और बाद में उस टीचर को और उनके वालदैन को कहा गया कि आप आएँ और उन लोगों के साथ सुलह करें जिन्होंने ये धर्मगी का काम किया था। तो देखें ये किस इतनी बड़ी जुल्म और ज्यादती की बात है, जो हमारे पड़ोस में सजावल में ये वाकया हुआ है, और इस वाकये में